हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में मैं आ गया हूँ एक और रिव्यू लेकर। मूवी का नाम बेशकल, तमिल मूवी है, तमिल नेम है इसका अरुवम। तो कहानी मेरी कुछ इस तरह से है कि मैं आज बना रहा था खाना, और पिछले कई दिनों से कोई नई मूवी या वेब सीरीज तो कोई रिलीज हुई नहीं है। तो कई दिनों से मेरा यूट्यूब जो है ये पॉपअप कर रहा था ये मूवी के लिए, बेशकल अरुवम जो बोले इसको। तो आज मैं सोच रहा हूँ, खाना बना रहा था तो मैंने सोचा कि चलो, वैसे भी साउथ की मूवीज थोड़ी एंटरटेनिंग है, टाइम पास तो होती है, मुझे लगा इसी तरह की कोई होगी, तो मैं आज देखने बैठ गया इसको। एक्चुअली खाना बनाते बनाते एक तरफ ये चल रहा है और मैं अपना खाना भी बना रहा हूँ, तो इस तरह से मैंने इस मूवी की देखने की शुरुआत करी। तो मूवी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि एक लड़की है, हीरोइन बोले जो भी है, इसका नाम है कैथरीन ट्रीसा। तो इसको ये सूंघ नहीं सकती, इसके नाक में कुछ प्रॉब्लम है हमेशा से है जो भी है, तो इसको ये सूंघ नहीं सकती। और ये एक स्कूल टीचर है, प्लस ये आई मीन सोशल वर्कर भी है, बहुत इधर उधर सब जगह मदद करती रहती है। मदर ट्रीसा इसकी इंस्पिरेशन है, और इसके साथ एक बैक स्टोरी है, बचपन में इसकी सूंघ ना पाने की वजह से इसकी माँ जल के मर चुकी है। तो उसके बाद से ये बहुत डरती है अपनी इस इनएबिलिटी से। और हमारा जो हीरो है सिद्धार्थ, ये इसको देखते ही प्यार कर बैठता है, क्योंकि ये सोशल वर्क करती है ये वो, तो यू नो परफेक्ट नारी टाइप, जो वैसे भी हर मूवी में इस तरह से दिखाया जाता है। जैसे गजनी में भी बताया था कि आमिर खान को वो पसंद आ गई थी। उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एटीट्यूड, वो कुछ मैटर नहीं करता इनको, वो कैसी है, उसका कोई बॉयफ्रेंड है नहीं है, हस्बैंड है नहीं है, कुछ देखने का नहीं। हमारा बस हीरो जाके सीधा जाके प्रपोज कर देता है हीरोइन को कि भाई मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, ये भी नहीं कि पहले पटाए वो कुछ नहीं, भाई हमारा सीधा बोलता है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। दूसरे ही सीन में वो भाई मतलब हीरो जो है उसके घर पे, लड़की के घर में भी बैठा होता है, ऑफिशियली रिश्ता लेके चला गया है लड़की के बाप के पास। तो लड़की बोलती है, देखो भाई मैं सूंघ तो सकती नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इन जो हर तरह के फालतू रीजन देती है। लेकिन अल्टीमेटली हमारा हीरो बोल के जाता है, कब तक चीखेगी चिल्लाएगी, एक दिन हसीना मान जाएगी। तो भाई चला जाता है कि चलो भाई तुम ठीक है, अपन पिक्चर थोड़ी खींचते हैं आगे जाके, बाद में तो मिलना ही हमको, तो ऐसे पिक्चर थोड़ी और लंबी खींचती है। इसी के साथ एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है, ये जिस स्कूल में काम करती है ये लड़की, वहां पे एक पीपल का पेड़ है, अब उसमें है भूत। तो एक दिन रात में ऐसा होता है कि ये बैठी है स्कूल में और बच्चों के लिए पेपर्स तैयार कर रही है, तो एक दिन कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है और इसकी सूंघने की शक्ति वापस आ जाती है। तो अब उस दिन के बाद से हर रोज ये कुत्ते की तरह हर चीज सूंघती सूंघती जाती रहती है। एंड क्या मैडम का निखार निकला है उसके दिन, यानी तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान, यानी सौंदर्य सब निर्मा, तो ये दूसरे सीन से लगी। आई मीन जब तक ये सूंघ नहीं सकती थी उससे पहले बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, आई मीन एकदम डल डल मरियल मरियल रहती थी, लेकिन दूसरे दिन तो मैडम में क्या पता नहीं अजब सा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो अब मैं सूंघ सकती हूँ, अब मैं कुत्ते वाले काम कर सकती हूँ, सारा सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगले दिन से मैडम जी फुल फटाक होकर अपने स्कूल जाती है, एकदम वो कहते हैं ना चांदनी वानी बन के, एकदम साड़ी वाड़ी में, एंड सबको आई मीन बोलने लगी कि अब तो मैं सूंघ सकती हूँ। तो ये सब चीज़ें हो रही है, इट्स नॉट एन इश्यू। तो यहाँ तक भी यहाँ कहें कि मूवी में ना कोई एंटरटेनमेंट आ रहा है, ना कोई आपको बोरियत हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब आता है प्लॉट ट्विस्ट, साइमल्टेनियसली मर्डर्स हो रहे हैं। यानी एक तो जो वो पीपल के पेड़ के आजू बाजू जाता है वो तो मरता है, या कहें कि जो भी उसके साथ जो होता है घटनाएं होती रहती है, इसके अलावा शहर में हो रहे हैं मर्डर्स। तो होता यह है कि एक मर्डर में ये मैडम जी का बाल निकल आता है उस बॉडी के पास से। तो पता नहीं ये साउथ वालों ने तो क्या इतना तो रिसर्च करवाया कि उन्होंने बोला कि अब तो बाल सिर्फ आपका कुछ है, आपके पास अगर कोई भी एक आपकी चीज मिल गई लाश के पास या कुछ भी है, तो हम बिना कोई भी चीजों के हम ये पता लगा सकता है कि क्या कहते हैं ये बाल किसका है, वो दिखती कैसी है, वो दिखता कैसा है, क्या कहें कि वो आई मीन यू नो हम सिर्फ एक छोटी से छोटी चीज पर से हम पूरी कंप्लीट आइडेंटिटी निकलवा सकते हैं, और इसके इन्होंने साइंटिफिक प्रूफ भी दिए हैं। अब अगर तो ये चीजें सच है तो अच्छी रिसर्च है, नहीं है तो आप समझ लो ये साउथ की मूवी है। तो लड़की का बाल निकल आया था, तो लड़की उस पर से लड़की का स्केच भी बन गया, अरे लड़की का स्केच क्या, लड़की की मूर्ति बन गई। तो बन गई उस पर से, फिर बोलते हैं कि ये मूर्ति और आधार कार्ड का डेटाबेस वेरीफाई करो और लड़की को ढूंढ के निकालो। अब मैं और लड़की का आधार कार्ड का फोटो, अरे बाप कितना बढ़िया, आई मीन मॉडलिंग फोटो तो आई मीन कैथरीन ट्रीसा का ही है, आई मीन उसके आधार कार्ड पर बहुत बढ़िया फोटो लगाया था। तो खैर वो मूर्ति और वो आधार कार्ड, ये दोनों मैच हो जाते हैं, और दूसरे सीन में लड़की को पकड़ लेते हैं, लेके जाते हैं किसी भी ओल्ड फैक्ट्री में। अगेन इट्स अ साउथ मूवी, तो आप समझो कि एक ओल्ड फैक्ट्री तो इन्होंने रखी होती है जहाँ पे वो बंद पड़ी है, कभी काम नहीं हो रहा है, और वहां पर बस सिर्फ ये गुंडों के अड्डे हैं, जैसे पुरानी फिल्मों में काली पहाड़ी या वो सब के पीछे होता था, इनके यहाँ फैक्ट्रीज में होता है। तो खैर वहां जाते हैं और ये सब बोलते हैं कि भाई तू बता तूने क्यों मारा। अब लड़की बोलती है मैं तो चीटी नहीं मार सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं तो सूंघ भी नहीं सकती थी काफी दिनों पहले तक। तो कब गुंडे लोग तो बोलते भाई देखो ये सब तो कुछ नहीं, अब तू आ गई है तो हमारा रेप का मूड तो है। तो वही ओल्ड फिल्म टाइप रेप के अटेम्प्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है चमत्कार। मैडम जी में है सुपर पावर्स, आई मीन यहाँ से मुझे यूँ लगा कि ये मूवी तो सुपर हीरो मूवी बन जाने वाली होगी शायद, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक और प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट ये होता है कि सिद्धार्थ जो है वो 20 दिन पहले मर चुका है, और अब उसकी आत्मा जो है वो लड़की में घुस घुस के लोगों को मार रही है। जो बीच में जो मर्डर्स दिखाए जा रहे हैं शहरों शहर में जो हो रहे हैं वो उस लड़की के थ्रू ही हो रहे हैं, लेकिन वो लड़की उसके अंदर घुस रही है। अच्छा, तो फिर मुझे लगा ओके, तो मैंने कहा ये तो कंचना की फिर से रीमेक बन गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो मुझे लगा कि अक्षय कुमार ने खाली पीली खर्चे किए, ये लोग ही अभी तक रीमेक बनाए जा रहे हैं, अक्षय कुमार क्यों इतना खर्चा करके रीमेक बना रहा था। तो खैर, तो कंचना का कंसेप्ट लेके ये फिल्म आगे बढ़ती है,
और फिर शुरू होती है सिद्धार्थ की बैक स्टोरी, जो इस फिल्म में सबसे अच्छा पार्ट जो कुछ अगर है तो वो सिर्फ इतना है कि सिद्धार्थ जो रहता है वो फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर रहता है। एंड ये कहीं भी पूरे दिन में यूं कहें कि मिनिमम 10-12 छापे तो ही मार ही देता है, रेस्टोरेंट्स में हो गया, फैक्ट्रीज में हो गया। एंड इसके इस पूरे प्रोसेस में जो रिसर्च करी गई है वो आई वुड मस्ट से ये बहुत अच्छी रिसर्च करी गई है। ये जो फिल्म के सिद्धार्थ के बैक स्टोरी के जो 20-25 मिनट जो है, ये फिल्म का बेस्ट है कि कैसे कैसे मिलावटें हो रही है फूड प्रोडक्ट्स में, कहाँ कहाँ से और क्या क्या तरीके लगाए जा रहे हैं, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं, ये सब चीज़ों की जो रिसर्च है, ये सब चीज़ों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें जब हो रही होती है तो एक दिन सिद्धार्थ का अपना सीनियर उसको ऑफिस बुलाता है, बोलता है मेरे को तुम ठीक है, तुमने जो भी अभी तक प्रोसीजर्स करी है उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाओ मेरे को। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता है, वहीं पे वो अब ऑफिसर तो वही अगेन वो मिला हुआ है इन कंपनीज के साथ या कहेंगे इस तरह के माफियाज के साथ, एंड वहीं पे वो लोग आके सिद्धार्थ को मार देते हैं। अच्छा, मारने से पहले भी फुल साउथ इंडियन एक्शन सीन है, जो सोच के मैं बैठा था कि चलो मैं खाना बना रहा हूँ और इस तरह की मूवी निकले तो मेरा टाइम पास हो जाए, तो वैसा एक सीन है कि भाई मरने से पहले भी यानी हमारा हीरो भी तो कोई सुपर हीरो से कम थोड़ा होता है, उसको नेचुरल पावर्स की वैसे भी कहाँ जरूरत है। 100 यानी 40-50 तो वैसे ही मार देता है, लेकिन फिर भी एक आध से फिर मर जाता है। तो खैर वो मर जाता है, उसकी बॉडी जो है वो उस पीपल के पेड़ पे जाके लटक जाती है, डेड बॉडी। एंड फिर वहां से उसको गुंडे लोग उतार के वहीं उसको जला देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी डेड बॉडी जो है वो कहेंगे उसकी राख वाख जो भी है वो सब उस पीपल के पेड़ के आसपास है, एंड वहीं पे उसका भूत है। और एक दिन रात को चांस मिला तो अब लड़की से डायरेक्टली, अब लड़की से फिजिकली तो चिपक सकता नहीं था क्योंकि अब भूत हो गया, तो लड़की से दूसरी तरह से चिपक गया है। तो भाई की हवस बोलो ठरक बोलो, लेकिन चिपका वो उसी लड़की से। तो फिर वो बोलता भी है, भूत भूत बोलता है कि भाई तुम मेरी मदद करो, अभी भी दो लोग रह गए हैं मारने बाकी रह गए हैं। तो लड़की बोलती है नहीं, मैं तो सिद्धांतवादी हूँ, मैं तो अभी अभी कुत्ती बनी हूँ, तो मैं अभी कमी नहीं बनने में मेरे को टाइम लगेगा। तो चली जाती है कि नहीं भाई तुम अच्छे इंसान नहीं हो, ये नहीं हो वो नहीं हो, और अब तो तुम मर भी गए, अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ, क्यों तुम्हारे साथ, मेरे को कौन सा फायदा हो जाने वाला, जिंदा होते तो तब तो फायदा भी था मेरा, तुम्हारी पेंशन पर मैं जिंदा रहती है तुम्हारे जो भी है, लेकिन अब तो तुम मर चुके। फिर वो दूसरे दिन होता यह है कि ये जिस स्कूल में काम कर रही होती है वहाँ पे मिड डे मील भी मिलता है। अब उस मिड डे मील का खाना खा के उसी के स्कूल के बच्चे बीमार हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं। तो अब जाके इसको होता है नहीं यार, मेरा मेरा भूत बॉयफ्रेंड वो करेक्ट, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो फिर वही मुझे लगा यार क्यों तुम खींच रहे हो कंचना वंचना। हाँ, इस बीच में वो कंचना वाले सीन भी हो चुके हैं कि एक तांत्रिक को बुलाकर उसकी आत्मा को एक लोटे में कैद कर दिया है और लोटा अगेन पानी में ही डाल रखा है। अब कंचना में उन्होंने दरिया में फेंका था, इसमें इन्होंने फिश टैंक में डाल दिया है, लेकिन अल्टीमेटली और वो कहते हैं ना लोटा लोटा खुला यानी भाई ने हगना शुरू कर दिया। तो वही है कि फिर आत्मा लोटे से निकल के फिर से लड़की में घुसती है, आखिरी सीन में वही माथा पच्ची इधर उधर गिर पाड़, वही रिवेंज ड्रामा एंड वही सब, एंड अल्टीमेटली हैप्पी एंडिंग बोलो या जो बोलो, लेकिन इन शॉर्ट ये मूवी थी। तो इसमें क्या बोलने का मुझे ये मूवी में समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि बीच के 20-25 मिनट बहुत अच्छे हैं, अनफॉर्चुनेटली जो 20-25 मिनट के जो वो जो सीन्स है वो मैंने अभी चेक किया यूट्यूब पे तो तमिल में अवेलेबल है, वो जो कहेंगे बेस्ट सीन्स ऑफ द मूवी करके तमिल में अवेलेबल है उस मूवी के, लेकिन हिंदी में नहीं है। अब हिंदी के अनफॉर्चुनेटली, अब ये तो ठीक है मुझे फिल्म का पता ही नहीं था, और अभी जब मैं ये वीडियो बनाने बैठा तो मैंने देखा कि इसकी IMDb रेटिंग ही 4.5 की है। तो मैंने कहा अब जब फंसे ही थे तो फिर देख डाली पूरी, फिर क्योंकि वो बीच बीच के जो 20-25 मिनट था तो फिल्म में मज़ा भी आया वो, लेकिन उसके अलावा फिल्म में कुछ अच्छा नहीं लगा। तो अब इसमें अच्छा क्या बोलूँ, यानी सिद्धार्थ बहुत अच्छा लग रहा था, हैंडसम लग रहा था, ये हमारी हीरोइन भी जो है कैथरीन ट्रीजा, इसको मैंने शायद पहले ये हमारे क्या नाम अल्लू अर्जुन के साथ आई थिंक सराय नोडू में देखा था पहले, तो ठीक है वहाँ भी साड़ी में घूम रही थी, यहाँ भी वही है, कुछ खास नहीं कोई रोल में कुछ खास नहीं, वही कभी चुड़ैल बन रही है, कभी कभी सुपर नेचुरल उसमें पावर्स आ रहे हैं, कभी सूंघ रही है, कभी ये कर रही है वो कर रही है, इन ठीक है वो अपनी जगह पर ठीक है। बाकी विलन्स बोलो ये बोलो वो बोलो, सिर्फ जो इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करके आए अगर वो सच है तो अच्छी रिसर्च है, वरना साउथ की मूवी है। जितनी भी रिसर्च इन्होंने फूड एंड सेफ्टी में जो मिलावट करी जाती है वो बहुत अच्छी करी है, एंड वो सब चीज़ें दिखाई भी बहुत अच्छी गई है। तो मोटा मोटा इतना अच्छा है। तो पूरी वैसे तो यूट्यूब पर 1.5 घंटे की फिल्म है, लेकिन फिर भी इसमें से आधा घंटा देखने जैसी है फिल्म। तो वो आपको मैं बता देता हूँ कि इंटरवल के बाद जहाँ बैक स्टोरी शुरू होती है सिद्धार्थ की, वहाँ से आप देखना शुरू कर दो, इट इज़ द बेस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। इसके अलावा कि आपने कंचना देख रखी है या लक्ष्मी देख रखी है अक्षय कुमार वाली, तो आपने ये मूवी देखी हुई है। नथिंग न्यू, नथिंग एक्साइटिंग, कुछ भी नहीं है, उल्टा फनी फनी भी नहीं है, और पैरानॉर्मल में हॉरर तो होता ही नहीं इंडियन मूवीज में, तो खैर तो हॉलीवुड में भी मुझे नहीं लगता हॉरर जैसा कुछ। तो मैं इसमें क्या रेट दूँ, जब इन्होंने IMDb में 4.5 out of 10 दिया है तो मैं 1 स्टार से ज़्यादा क्या दूँ, और वो भी क्योंकि वो बीच के 20-30 मिनट बहुत अच्छे हैं, तो 1 स्टार मैं भी दे देता हूँ। बाकी आप मेरे अगर आपने मेरे रिव्यू को एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड चैनल। टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।